बिल्कुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अभी हम जा रहे हैं 200 फीट चौड़ी रोड पे, जो कि सफूरा से चेक पोस्ट नंबर 5 को जा रही है। और यहाँ पे एक खूबसूरत प्रोजेक्ट जो कि बन रहा है 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे, ये अलफतेह बिल्डर एंड डेवलपर का है। सबसे खूबसूरत ये है कि ये गेटेड है, गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये फ्लैट्स बन रहे हैं। अभी हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। और ये देखें, हम आ गए, ये हम आ गए। और ये है इसका गेट, मेन गेट है ये। और ये है सोसाइटी जो पूरी यहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं और अलफतेह वालों के। ये देखिए, ये मंदिर आ गए। तो बाकी हम आपको अभी आपको अंदर से सुनवाते हैं कि क्या मिल रहा है और कितने पे मिल रहा है। ये देखें आप लोग सामने, ये इसका मेन गेट है। ये अक्सर अगर आप सफूरा से इस रोड से गुजरे हों, जो कि चेक पोस्ट नंबर 5 को जा रही है, तो ये आपको बड़ा खूबसूरत सा गेट नज़र आता होगा। उसी के अंदर ये जो अलफतेह वालों का फतेह आइकॉन के नाम से, हमने जो पहले वीडियो दिखाई थी उसके अंदर वो था ब्रिश्मा हाइट्स के नाम से था अलफतेह वालों का, और वो रेडी टू मूव था। ये है इंस्टॉलमेंट पे, 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे। अभी हम इसकी हम आपको पूरी डिटेल देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम सिकंदर अख्तर है और आप हमारा चैनल देख रहे हैं रियल एस्टेट ऑनलाइन, जो कि टाइम टू टाइम हर दफ़ा आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट, चाहे वो प्राइमरी से हो चाहे वो सेकेंडरी से हो, जो कि इंस्टॉलमेंट वाला हो चाहे रेडी टू मूव हो। अभी हमने आपको अलफतेह वालों का रेडी टू मूव पिछली वीडियो में दिखाया था। और ये रेडी टू मूव है, जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है मतलब जगह ही के तो पैसे हैं बेसिकली। आप रिफाइंस में ले लें, आप क्लिफ्टन पे ले लें, आप जो है सरजानी में ले लें, तो पैसे जगह के हैं बेसिकली। तो ये जगह बहुत अच्छी है। सफूरा से जो रास्ता गेट नंबर 5 को जा रहा है 200 फुट चौड़ी रोड पे, ये इंपॉर्टेंट रोड है। इसी रोड के ऊपर जो है वो रूमी टावर भी है, इसी रोड पे रफ़ी प्रीमियर भी है, इसी रोड पे फलकनाथ क्वीन टावर भी है और रिमझिम टावर भी इसी रोड पे है। तो हम यहाँ आज बैठे हुए हैं अलफतेह वालों के प्रोजेक्ट के ऊपर। हम आपको दिखाते भी रहेंगे कि इसका मॉडल, मुझे प्रोजेक्ट का मॉडल भी दिखाएंगे। और हमारे साथ इनकी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, आपने पिछली वाली वीडियो में तो बता दिया उसके बारे में, ब्रिश्मा हाइट के बारे में। अब हमें आप बताएं, ये जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है आपका, जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, जिसका नाम अलफतेह आइकॉन है, फतेह आइकॉन के नाम से है, ये 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे है, ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं। ओके, ये बेसिकली सेम उसी जगह पे ही है जो हमने प्रीवियसली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी हम पोजीशन देने वाले हैं अलफतेह ब्रिश्मा हाइट, सेम लोकेशन पे है। बस सिर्फ इसमें दो प्लॉट का बीच में फ़र्क है। सेम कॉलोनी है रहमान टाउन, जो कि सफूरा से चंद मिनट के फासले पे है। इसी रोड पे ही आगे हमारे रूमी बिल्डर्स भी बैठे हुए हैं, इसी रोड पे ही रफ़ी प्रीमियम है, प्लस फलकनाश का एक ट्विन टावर अभी तैयार हो रहा है। इसी बाउंड्री वॉल के अंदर अभी एक फलक का अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है अलफतेह आइकन, जो कि अभी 2 वीक्स पहले उसकी डिगिंग स्टार्ट हुई है। सेमी फर्निश अपार्टमेंट बनाएंगे, इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल का है। इसमें जो हम आपको फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ दे रहे हैं उसमें सेमी फर्निश अपार्टमेंट है। सेमी फर्निश से मुराद ये है कि सेमी फर्निश अपार्टमेंट बनाएंगे रेडी टू मूव। बिल्कुल, सेमी फर्निश में क्या क्या दे रहे हैं? सेमी फर्निश में इसमें आपको अमेरिकन किचन मिलेगा, किचन रेडी मिलेगा, किचन रेडी मिलेगा भाई, ये 4 साल के इंस्टॉलमेंट वाले। इसके अलावा हर रूम्स में वार्डरोब्स लगी हुई होंगे, वार्डरोब्स बनी भी होंगी, बिल्कुल लगे वार्डरोब्स बनी हुई होंगी। मतलब ये बहुत अट्रैक्टिव है, सेमी फर्निश में जो है आपको किचन रेडी मिलेगा, आपको जो है वो वार्डरोब्स लगी हुई अलमारियां हैं कमरों के अंदर वो बनी मिलेगी। इसके अलावा फिर इस पूरे घर में फैंसी लाइट, फैंसी फैंस होंगे, फैंसी फैन भी लगा के देंगे, लाइटें भी लगा के, और फोर सीलिंग भी करके देंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग होगी पूरे घर में, जो ड्राइंग रूम है उसमें आपका वुडन फ्लोर लगेगा, फोर सीलिंग लगेगी, बाकी आपको सैनिटरी बालकनी ईच एंड एवरीथिंग। यार ये तो बहुत अच्छा है भाई, बिल्कुल आपको रेडी टू मूव, बहुत अच्छा है यार, माशाल्लाह यार। ये तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है आपका, इससे पिछले वाला सेमी फर्निश था, इससे पिछले वाला बस थोड़ा सा अब थोड़ा फर्निश बिल्डर कंडीशन से, उसमें हमने इंटीरियर डिजाइनिंग की है, उसमें वुडन फ्लोर लगवाया है, फोर सीलिंग करवाई है। ये वाला जो है ये सेमी फर्निश, ये बिल्कुल रेडी, जैसे रूमी टावर वाले दे रहे हैं, बिल्कुल सेमी फर्निश। बिल्कुल, अच्छा गीजर भी लगा के दे रहे हैं? गीजर नहीं है सर इसमें, गीजर नहीं है भाई इसके अंदर, बाकी वुडन फ्लोरिंग है, बाकी सारा वुडन फोर सीलिंग है, फैंसी लाइट, और आपका वो भी क्या नाम है, किचन है रेडी है, वार्डरोब्स रेडी है, और
इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइन सही है, लाइटें मिलेंगी, पंखे के सब मिलेंगे इसके अंदर, सिर्फ गीजर नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम फर्नीचर, बस आपको फर्नीचर लेके आना है। अच्छा, आपने टाइप्स बता दी इसकी, टू बेड डीडी है। इसमें जो है बेसिकली ये कुल 63 यूनिट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। हमने इसमें जो है वो दो कैटेगरी बनाई है, 3 बेड डीडी और 2 बेड डीडी, जो कि हम इसको 4 रूम्स और 5 रूम्स अपार्टमेंट कहते हैं। जो हमारा पूरा 3 बेड का जो ब्लॉक है ये पूरा रोड फेसिंग पे है, इसमें कुल 27 यूनिट्स हैं जो कि 3 बेड डीडी हैं। सही है, जब आप एंटर होंगे अंदर कम्युनिटी के अंदर से एंटर होंगे और जो एंट्रेंस है हमारे आइकन की, वहाँ पे हमने पूरा ब्लॉक जो है वो 2 बेड डीडी का रखा हुआ है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं इमरान, कि आप सोसाइटीज के अंदर तो गेटेड का बड़ा चर्चा होता है, क्योंकि सोसाइटी में होती है एक एंट्रेंस होती है पूरी सोसाइटी की, जिससे सिक्योरिटी जो है आपकी सिक्योर रहते हैं लोग वहाँ रहने वाले। लेकिन फ्लैटों में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वहाँ पे कंपाउंड होता है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट होता है, लेकिन एक गेटेड, एक बड़ा अच्छा खूबसूरत गेट है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, और मेन एंट्रेंस है उससे, उसके बाद आपकी जो जितने भी रेजिडेंट होंगे इसके, उनकी एंट्रेंस यहीं से होगी, मेन रोड से नहीं होगी, जबकि ये प्रोजेक्ट मेन रोड का है, सामने 200 फुट चौड़ी रोड है, लेकिन जितने भी लोग अंदर आएंगे वो अपनी वेसिनिटी में, मतलब जो सोसाइटी की वेसिनिटी है वहीं से ही एंट्रेंस है, और यहाँ पे सारे मतलब फ्लैट्स ही हैं, कोई सोसाइटी नहीं है ये। थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैं, बिल्कुल आपने सही बोला, इसके अंदर हमारे पास एक तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी बिल्कुल मेन डोर के ऊपर, फिर आप जब हमारे प्रोजेक्ट में आएंगे तो वहाँ आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, प्लस हमारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसमें आपको सिक्योरिटी मिलेगी। और इसी बाउंड्री वॉल के अंदर मुख्तलिफ बिल्डर ने SBA खरीदी हुई है, जो कि आने वाले सालों में उनमें काम शुरू होगा। देखो हर चीज़ जो है ना, आप देखो अपनी लोकेशन पे दिखती है, बिल्कुल आगा साहब, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर आप सरजानी में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो भाई 2 बेड डीडी इस टाइम वहाँ 60-65 लाख रुपये का मिल रहा है, लेकिन यही 2 बेड डीडी आप क्लिप्टन पे जाके ले लें, बिल्कुल तो आपको 3 करोड़ रुपये का मिलेगा, 3 करोड़ का मिलेगा। नहीं, वहाँ पर तो 100 गज का जो है वो 7 एक्सटेंशन में जो है 4 करोड़ रुपए का बैंगलो है, 100 गज का सिर्फ, बिल्कुल है। तो जगह के पैसे होते हैं बेसिकली, आप कंस्ट्रक्शन जो है वो तो कभी ना कभी पुरानी हो ही जाती है, लेकिन लैंड इंपॉर्टेंट होती है, जिस जगह पे ये बन रहा है अलपते आइकॉन, ये जगह बहुत अच्छी है। और प्लस एक और चीज़ है कि इसके नियर बाय आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, यहाँ पे करीब में जो है वो मेमन हॉस्पिटल है, किरण हॉस्पिटल है, फिर स्कूल है नीचे ही, बिल्कुल रेस्टोरेंट खुला हुआ है। तो ये अच्छा, इसमें एमिनिटीज में क्या क्या है? इसकी एमिनिटीज में जो है वो हमने इसमें रूफ टॉप गार्डन रखा है। अच्छा हाँ, रूफ टॉप जो है इसमें गार्डन है, और ये भी 9 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये बेसिकली बिल्कुल 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें डबल बेसमेंट कार पार्क है, डबल बेसमेंट कार पार्किंग है, जितने यूनिट हैं 63 उन सबको एक रिजर्व पार्किंग मिलेगी। इसमें कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जिसमें उनको पार्किंग ना मिले, तो ऑल रिजर्व पार्किंग है, सारे 63 फ्लैट की डबल बेसमेंट पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स एंड शोरूम्स हैं, उसके बाद फिर 1+9 का ये टावर है, और इसके ऊपर रूफ टॉप फैमिली गार्डन हम लोग बनाएंगे। अच्छा, मेन एमिनिटी 2 बेड डीडी के पैसे तो बता दें। ओके, 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी दो कैटेगरी हैं इसमें, ठीक है। जो 2 बेड डीडी की जो कॉस्ट है वो 195 है 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे, और जो 3 बेड डीडी है वो उसकी कॉस्ट है 270 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। उसका साइज कितना है? 2 बेड का जो साइज़ है वो है 1334 स्क्वायर फीट है, और जो 3 बेड है उसका स्क्वायर फीट है 1762 स्क्वायर फीट। अच्छा बड़ा सा है, बिल्कुल अच्छा बड़ा है। और आपने 3 बेड डीडी के बताएं 270, और ये पैसों में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो वेरी करता है, मतलब अगर आप कितनी डाउन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो यही रूमी आगे 3.5 करोड़ का दे रहे हैं, कि बस क्या है कि रूमी टावर जो है 3.5 का है, रूमी टावर 3.5 का है, और ये साथ ही है दोनों, साथ और अच्छा प्रोजेक्ट है। और एक और भी एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी मैंने आपको जैसे कहा कि रूमी का 3.5 करोड़ का है, तो उनका काम 1 साल पहले स्टार्ट हो गया था, जबकि इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी लेबर की कॉस्ट नहीं थी, चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। अगर कंपेयर करेंगे अभी तो चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्डर जो है वेल नोन है, और अलफते बिल्डर एंड डेवलपर के नाम से हैं, और आप जिस तरीके से हम लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं, हर प्रोजेक्ट पे करते हैं आप लोग, इस पे तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो हैं वो हमारी वीडियो देख के हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और आके हमारे जिस, क्योंकि हम लोग फालतू या किसी इनलीगल प्रोजेक्ट की वीडियो नहीं बनाते हैं, ये हम हमेशा बोलते हैं अपनी वीडियो के अंदर, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर कोई किसी को खबर आ भी जाती है तो मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊंगा, ये चीज़ है। तो ये बिल्कुल
क्या नाम है, कन्फर्म प्रोजेक्ट है, लीगल प्रोजेक्ट है, अलफते वालों का, बिल्डर बड़े हैं और अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भाइयों कॉन्टैक्ट कीजिएगा बुकिंग कराने के लिए। और इससे पहले जो आपने वीडियो देखी थी वो रेडी टू मूव की थी, जो लोग फ़ौरन रहने के लिए चाह रहे हैं तो वो फ़ौरन 3 महीने के टाइम पे, 2.5 से 3 महीने के टाइप के पेमेंट प्लान पे जो है उनको ये मिल जाएगा रेडी टू मूव वाला। और ये वाला आइकॉन जो है इस पर 4 साल का पेमेंट। और कुछ बता दें जो पूछना भूल गया मैं। अच्छा, इसके अलावा सर इसमें जो है वो 3 लिफ्टें हमने लगाई हैं, इसमें 2 पैसेंजर और 1 कार्गो है, जो कि हमने इसमें पहले हमारे प्रोजेक्ट में 2 थी, अब इसमें हमने जो है वो 3 कर दी हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि जो टाइम पीरियड हम आपको देंगे, हमारी कोशिश होती है कि उसके अंदर ही हम उसको डिलीवर करें और पास में हम ऑन टाइम चीज़ें डिलीवर करते रहें। ठीक है, ठीक है आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब ने इससे पहले हमें ग्रीष्मा हाइट्स के बारे में बताया था और अभी इन्होंने हमें अलफते आइकॉन के बारे में ही बताया। मैंने इसका प्रोजेक्ट की मॉडल भी वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसकी वेसिनिटी भी दिखा रहा हूँ, इसकी रोड्स भी दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको वीडियो में बता रहे हैं इस टाइम वो सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी मच सर, नाइस मीटिंग यू। तो ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, ये चैनल चलता रहेगा तो आपके लिए नई नई चीज़ें आती रहेंगी, कुछ लोगों की बजट में फिट होंगी और कुछ लोग जो लग्जरी लाइफ लेते हैं उनके हिसाब से होंगी। तो हम हर टाइप की जगह पर जाते हैं तो हम आपके लिए लाते हैं। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, थैंक यू।